राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया में तुम सारे का जॉब स्टार यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूँ। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है अभी 14 नवंबर से, आप सभी को पता है आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हैं। तो बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें। भाई बहुत से बच्चे डाउट के अंदर रहते हैं, भाई पहले हम लोग रीजनिंग करें, मैथ करें, आपका कंप्यूटर करें या फिर जीके करें, कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं पेपर उनको सारा आता होता है लेकिन उनका एग्जैक्ट टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो पाता, उनके पास टाइम ही कम पड़ जाता है। ठीक है, पहली बार में सिलेक्शन और 75+ स्कोर करना है तो पेपर से पहले ये जरूर देख लेना, 3 गलतियां जो कि आपकी सिलेक्शन के बीच में बाधा भी बन सकती हैं, जिनके थ्रू है आपका सिलेक्शन थोड़ा हम मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। भाई आप लोगों को मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी, क्या क्या आपको करना, क्या क्या नहीं करना। पहली बात तो आप सभी के एडमिट कार्ड आ गए। बहुत से बच्चे ऐसे कहने लग रहे जी सेंटर दूर आया है क्या करें। भाई सेंटर दूर आया है तो नहर के अंदर कूद जाएं और क्या करोगे आप लोग, आप लोग ये बताओ। भाई सेंटर दूर आया तो क्या बात होगी, पेपर तो देने जा सकते हो, कितने साधन चलने लग रहे यार, एरोप्लेन है आपकी, रेलगाड़ियां हैं, सब कुछ है। चलो मान लिया अब एरोप्लेन तो महंगा सिस्टम है, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, रेल तो है, रेल तो अफोर्ड कर सकते हो। एक दिन पहले चले जाओ, एक दिन पहले तो जा सकते हो, 100-150 रुपये 200 रुपये टिकट लगेगी। मैं खुद मानूं भाई 1000-1000 किलोमीटर दूर सेंटर है, SSC ने गलत किया, ये इतने दूर दूर सेंटर नहीं देने चाहिए बच्चों के, खासकर लड़कियों के भी दूर दूर दे रखे, लड़कों के भी सबके दूर दूर दे रखे हैं। हिसार से वाराणसी और कितने कितने कानपुर और केवरा कित मेरठ दूर दूर भगा रखे हैं, 1000-1000 किलोमीटर दूर भगा रखे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई अब जो हो गया हो गया, ना तो ये सेंटर बदल सकते ना कुछ और हो सकता, अब तो वहीं पर ही जाके पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अरे क्या दिक्कत क्या है, एक दिन घूमे आओ, एक दिन पहले चले जाना। ठीक है, ये जो बहाने ना वो बच्चे मारते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, जिनकी तैयारी होती अच्छे से, उनको पता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो जरूर जाते थे पेपर उनका अंडमान निकोबार के अंदर हो तो भी वहाँ पर देने जाएंगे जरूर। ठीक है, चाहे उनको तिरके जाना पड़े, ऐसे नुसड़ चढ़ सारा समुद्र पार की करके भी चल जाएंगे अंडमान निकोबार में। दूसरा, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। देखो भाई हर एक की है अलग स्ट्रेटजी होती है पेपर अटैम्प्ट करने की। ठीक है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो कि हर एक बच्चा सेम करता है, सेम गलतियाँ करता है। पहली बात तो है आपको सबसे पहले मैथ को नहीं छेड़ना, मैथ को है आपको सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर मैथ को छेड़ दिया, ठीक है, तो आपका माथा खराब कर जाएगा। मैथ से माथ, मैथ से आपका क्या बन गया, आपका माथ, और ये माथ से आपका माथा खराब कर देगा। ठीक है, मैथ को अगर छेड़ दिया तो, क्योंकि मैथ के अंदर मान लो एक दो सवाल अगर ऐसा आ गया जो आपसे नहीं निकलिया तो आपका पूरा पेपर के अंदर माइंड डिस्टर्ब हो जाए, सारा पेपर अच्छा नहीं होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जो मेरा जो सजेशन है उसके हिसाब से बताने, बाकी सबकी अपनी अलग स्ट्रेटजी है, आपकी मर्जी, आप किसी को अटैम्प्ट करो। ठीक है, मैं एक बार के लिए सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग अटैम्प्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले आपको रीजनिंग अटैम्प्ट करनी चाहिए। 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, भी एक खास बात बताने लग रहा हूँ आपको, पेपर पूरा का पूरा करने से पहले, पूरा पेपर कंप्लीट करने से पहले एक बार के लिए आपको पूरे पेपर, जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है, मैथ के 15 हैं, जीके के आपके 50% है, कंप्यूटर के 10, एक बार के लिए तो आपको इन 100 के 100 क्वेश्चनों के अंदर से घूमना है टाइम पूरा होने से पहले पहले। ये चीज आप लोगों को माइंड में सेट कर लेनी। रीजनिंग के अंदर जो 25% आएंगे, मान लो सीरीज वाले पर्सन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की अगर सीरीज विद इन 10 सेकेंड अगर आपके दिमाग के अंदर स्ट्राइक कर जाती है, जैसे कोई भी सीरीज मान लो 2-3-4 आगे आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 5-6-7-8, तो यहाँ पर 5 आए तो बेरा भाई आपका, जैसे दो मतलब 10 सेकेंड के अंदर अंदर अगर आपके स्ट्राइक कर जाए दिमाग के अंदर कि भाई ये सीरीज बनेगी तो अटैम्प्ट करो। अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगने लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, उसको स्किप कर दो, मार्क फॉर रिव्यू आता है नीचे लिखा वो करके उसको स्किप कर दो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आपके पास टाइम बचेगा, इस बात की मैं गारंटी लेने लग रहा हूँ, टाइम बचेगा अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो। अगर आप इसके ऊपर ऐसे लगा जो आप अपने ईगो के ऊपर ले लोगे, ना रे मेरे सीरीज का पर्सन कौन होया, ना भैया तो बेइज्जती होगी, ये पर्सन मेरे पन्नू कुकर कौन होया। अगर जिद्दी लगा ली ना तो वहीं पर एग्जामिनर जान करके देता है ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल आखिरी में कूल माइंड से सोल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपको इसलिए देगा पहले ताकि आप लोग जुमानू बिछड़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे आते हुए मिलेंगे लेकिन जैसे घर पे आके आपसे सोल्व हो जाए लेकिन वहाँ पर नहीं होगा। ये किस लिए होता है, आपके पास जल्दबाजी होती है, उस टाइम एक प्रेशर होता है भाई टाइम के अंदर पेपर पूरा करने का। 10 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी के अंदर भी टाइम लगे, जैसे आपके ये वाले सवाल आते हैं आपके, जैसे 5-3 ऐसे आ जाएगा आपका, 5-3 और 15 का क्या रिलेशन, और आपका मान लिया 7-11-21 का रिलेशन, तो 4 ऑप्शन दे देगा इसके अंदर से, बताओ ऐसा ऐसा रिलेशन किसके साथ, इनके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। अगर देखते ही 10 सेकंड के अंदर बन जाए कंसेप्ट तो अटैम्प्ट कर लेना, वरना इसको स्किप कर देना, एक बार के लिए स्किप कर दो। ठीक है, पहले रीजनिंग को स्टेप से अटैम्प्ट करो, फटाफट सारे रीजनिंग को निपटा दो। उसके बाद आप लोगों को छेड़नी है जीके, उसके बाद क्या छेड़ना है आप लोगों को, जीके को छेड़ना है। जीके के अंदर भी आप लोगों को देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जीके कोई मैथ नहीं है, जीके कोई मैथ नहीं जिसके अंदर आप लोगों को सोचना पड़े।
ठीक है, जिक्के के अंदर तो ये पर्सन अगर दिमाग में पर्सन पड़ा भाई कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, पर्सन पड़ा दिमाग में आ गया चार ऑप्शन देख के, तो टिक मारो, नहीं आता तो एक स्किप कर दो। ठीक है, उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना इतना, वो आपको आखिरी में लगाना, जो टाइम जो लगाना है ना भाई, इसके अंदर से कौन सा हो सकता है तुक्का मारने वाला या एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन वाला, आपको लास्ट में देखना। एक बार के लिए स्टार्टिंग में यही करना है, क्वेश्चन देखो भाई, पर्सन आता है आंसर तो टिक मारो, नहीं आता तो मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप करको, अगले पर्सन पे चलो। ठीक है, इस तरीके से आपको जीके के पूरे 50 पर्सनों के अंदर से निकल जाना है एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको छेड़ना है कंप्यूटर को, उसके बाद किसको छेड़ना है आपको, कंप्यूटर को छेड़ना है। ठीक, कंप्यूटर थोड़ा सा ऐसे करेगा, मत ना छेड़े, ना छेड़े, लेकिन आपको उसको फिर भी छेड़ना है। ठीक है, कंप्यूटर को छेड़ो, कंप्यूटर के अंदर 10 पर्सन, इसके अंदर भी सिंपल सा सिस्टम है, आपको जोन जोन से आते हैं, जोन जोन से भी क्वेश्चन आपको आते मिले 10 क्वेश्चनों के अंदर से, फटाफट से टिक्का मारो, नहीं आते एक बार के लिए स्किप कर दो। सबसे लास्ट में करना आपको मैथ, सबसे लास्ट में आपको कौन छेड़ना है, मैथ को छेड़ना है। मैथ को छेड़ोगे तो छेड़छाड़ के जुल्म में जेल भी हो सकती है, तो मैथ को छेड़ना आखिरी के अंदर। 15 क्वेश्चन है, आराम से हर एक क्वेश्चन आप लोग नो देखो, आपके पास हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कम से कम 1 मिनट का टाइम तो होना चाहिए। आखिरी में आप लोग ये देख लेना कि मैथ के लिए कम से कम आपके पास क्या 20 मिनट का टाइम तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो मिनिमम 1 मिनट तो एक क्वेश्चन के ऊपर लगी जाती है अगर नॉर्मली सोल्व करोगे तो भी। ठीक है, अगर जैसे किसी की स्पीड फास्ट अच्छी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके वो तो 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर सोल्व कर दिया, लेकिन नॉर्मल बच्चे के लिए बता रहा हूँ कि उसको मिनिमम 1 मिनट तो लगेगी लगेगी, तो कम से कम आपको 15 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 20 मिनट तो चाहिए थी, तो अलग से 20 मिनट तो मैथ के लिए रिजर्व रख लेना। ठीक है, आपका करीबन 90 मिनट का पेपर है, 90 मिनट का पेपर है तो आपको देखो भाई रीजनिंग है, रीजनिंग के 25% है, 25% आप लोग करीबन ये समझो 18 मिनट के अंदर आपके हो जाने चाहिए, 18 से 19 मिनट के अंदर एक एवरेज बच्चे के हो जाते हैं रीजनिंग के 25%। ठीक है, उसके बाद जिक्के है, जिक्के के अंदर पर्सन देखो, आता है निशान मारो, नहीं आता स्किप करो, 50% है करीबन आपके, देखो इसके अंदर भी कम से कम 15 से 20 मिनट का समय इसके अंदर भी आपका लगेगा, 20 मिनट तो लगे ही लगेंगी। ठीक है, 15 से 20 मिनट आपके आराम से लगेंगे, 40 मिनट होगी। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर इतना टाइम नहीं लगेगा आपका, कंप्यूटर के अंदर सारा आपका 6 से 7 मिनट का खेल है, कंप्यूटर लिपट जाएगा। ठीक है, आपका 47 मिनट होगी। मैथ, मैथ के लिए अलग से आप लोग मान लो 20 मिनट कर दी, 47 प्लस 20 कितना गया, 67 हो गया। उसके बाद देखो आपके पास कितना टाइम है, 70 मिनट भी लगा लोगे ना, 67 की जगह 70 मिनट भी लगा लो तो भी 90 मिनट का टाइम आपके पास, तो भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे आखिरी में। अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लगाओगे ना हर एक सब्जेक्ट में तो भी आपके पास आखिरी में 20 मिनट का टाइम बच जाएगा। ठीक है, 90 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा दे रखा है, हम तो इस पेपर का मॉक टेस्ट लगा के देखा ना, तो सारा 45 मिनट में पेपर सिमट गया है। ठीक है, सिमट जाता है पेपर भाई, वो ही अलग बात है, कई पर्सन आओ भी को नहीं। ठीक है, लेकिन पेपर को सिमटा देते 45 मिनट में, और वो भी एक अच्छे स्कोर के साथ। तो इस तरीके से मैं आपको बताने लग रहा हूँ, आखिरी में 20 मिनट आपकी स्पेयर बच जाएंगी। ठीक है, उस 20 मिनट के अंदर आपको दोबारा से रीजनिंग पे आना है, जोन जोन से सवाल आपसे नहीं हुए उनको आराम से कूल माइंड से उनको सोल्व करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना कि पेपर का टाइम खत्म होने से पहले, ठीक है, आप पूरे के पूरे पेपर के अंदर से घूम लेने चाहिए, और आखिरी में आपके पास 20 मिनट का समय कम से कम तो बचना ही बचना चाहिए, फालतू भले बच जाए आपके पास से 30 मिनट का बच जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 20 मिनट का तो बचना ही बचना चाहिए। ठीक है, और उस 20 मिनट के जो टाइम में है आपको बचे हुए जो मैथ के वो आपको रीजनिंग के पर्सन नहीं आए वो आपको अटैम्प्ट करने हैं, बचे हुए आपको मान लो जिक्के के पर्सन जोड़ने से नहीं आए उनके अंदर तुक्का लगाना है, तो आप लोग तुक्का भी लगाने का रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ये देखो 0.25 नंबर, मान लो आप लोग 10 पर्सन अटैम्प्ट करने लग रहे हो, आप लोग मान लो कि 10% आप लोगों ने क्या है 10% के अंदर तुक्का लगाया। ठीक है, 1% का 1 नंबर है और गलत होने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब 10% के अंदर तुक्का लगाओगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से कम आप 5 ठीक कर दिए। ठीक है, और इसके अंदर से 5 गलत हो गए, 5 जो गलत होएंगे ना, इन 5 गलतों के अंदर से आप लोग अगर 0.5 की 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लगा तो 25×5=125 यानी कि 1.25 नंबर ही आपके कटेंगे, 5 नंबर तो फिर भी मिलेंगे, रिस्क कितना कम है आप ये तो देखो रिस्क कितना कम है, एक ही नंबर कटेगा, सवा नंबर कटेगा 5% गलत करोगे तो भी, और 5% होंगे अगर सही तुक्का लगे तो 5 नंबर मिलेंगे तो भी, देख लो कितना फायदा है। तो तुक्का लगाने में झिझक नहीं करनी, लेकिन तुक्का ऐसे नहीं लगाया जाता, कन्फर्मेशन से लगाने, 4 ऑप्शन है ना तो 4 के अंदर से ऐसे नहीं भाई आँख मिच यार ओम बोले यार लगाया तुक्का है, दिमाग लगा के बजिश में पूरा कन्फर्म होना भाई इनके अंदर से 2 में से 1 आएगा, तब अपने मन पे हाथ रख के 1 लगा देना। ठीक है, इस टाइप से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है और यही आपकी स्ट्रेटजी रही, अगर इसको फॉलो करोगे तो आराम से आप एक अच्छा स्कोर है कर दोगे भाई। ठीक है, यही सूचना आप लोगों को देनी थी, बाकी आज भारत और साउथ अफ्रीका का मैच है, आराम से मैच को एंजॉय करो, माइंड को रिलैक्स करो, आज संडे का दिन भी है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।